हेलो गाइस, फिर से वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो गाइस, मैं आपको आज स्नैपचैट के S7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में हर स्नैपचैट यूजर को पता होना चाहिए। सो गाइस, प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे और अपने भाई को सपोर्ट करें। स्नैपचैट की जो सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो वाले सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में चले जाना है। सो गाइस, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि स्नैपचैट में बहुत सारे यूजर्स को ये नहीं पता होता कि आखिर वो अपना स्नैपचैट प्रोफाइल को अपने फ्रेंड्स में कैसे शेयर करेंगे। यानी कि जैसे कि आप बाकी सोशल मीडिया में करते हैं कि आप अपने प्रोफाइल की URL यानी कि लिंक को शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स में। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्नैपचैट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अपने स्नैपचैट प्रोफाइल को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्नैप कोड में क्लिक कर लेना है, यानी कि आपको जो यहाँ पर येलो टाइप का दिख रहा होगा आपके नेम के ऊपर, तो उसमें आपको क्लिक करना है। सो गाइस, आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड यूजर नेम, सेकंड दिख रहा होगा सेव स्नैप कोड, थर्ड दिख रहा होगा शेयर स्नैप कोड। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने स्नैपचैट पे किसी फ्रेंड को अपना ये स्नैप कोड यानी कि अपनी प्रोफाइल की स्नैप कोड को शेयर करना है, तो आप सेंड यूजर नेम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस, आप अपने जो भी फ्रेंड होगा आपके स्नैपचैट पे उसको आप शेयर कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बाकी सोशल मीडिया पे अपना स्नैपचैट प्रोफाइल को शेयर करना है यानी कि आपकी स्नैपचैट की स्नैप कोड को शेयर करना है, उसके लिए गाइस आपको थर्ड वाले पे क्लिक कर लेना है शेयर स्नैप कोड। तो गाइस, आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया का मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। उसमें गाइस, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं अपने स्नैपचैट की स्नैप कोड यानी कि स्नैपचैट की प्रोफाइल। सो गाइस, अब मैं आपको स्नैपचैट के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, वो इंपॉर्टेंट सेटिंग है स्टोरीज की, क्योंकि गाइस स्नैपचैट है बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको स्टोरीज में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि गाइस वो अपने स्टोरीज को मतलब पोस्ट कैसे करे, ऐड टू माई स्टोरी में करे पोस्ट या फिर ऐड टू आवर स्टोरी में पोस्ट करे। तो गाइस, मैं आपको आज इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि ऐड टू माई स्टोरी और ऐड टू आवर स्टोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐड टू माई स्टोरी वाले ऑप्शन में क्लिक करके अगर आप अपने स्टोरीज को पोस्ट करेंगे यानी कि अपने स्टोरीज को अपलोड करेंगे, तो वो वाले स्टोरी को सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख पाएंगे। यानी कि गाइस, आपका जो स्टोरी होगा आपके फ्रेंड्स के स्टोरीज वाले ऑप्शन में चला जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐड टू माय स्टोरी में आप जो भी स्टोरीज पोस्ट करेंगे यानी कि अपलोड करेंगे, वो स्टोरीज को सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख पाएंगे, यानी कि आपने स्नैपचैट पे जिनको अपना फ्रेंड्स बनाया है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने स्टोरीज को ऐड टू आवर स्टोरी में क्लिक करके पोस्ट करेंगे, तो गाइस इसमें होगा ये कि आपके स्टोरीज डिस्कवर वाले ऑप्शन में चली जाएगी। यानी कि गाइस, इससे स्नैपचैट पे कोई भी पर्सन आपकी स्टोरी को देख सकता है, यानी कि वर्ल्ड में कोई भी आपकी स्टोरी को देख सकता है पब्लिकली, यानी कि आपका स्टोरी पब्लिक में पोस्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये मेन इन दोनों में ये डिफरेंस था, ऐड टू माय स्टोरी में और ऐड टू आवर स्टोरी में। तो गाइस, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नैपचैट की सबसे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो गाइस, वो वाले सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा। सो गाइस, आप जैसे ही चले जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके स्नैपचैट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि अगर आपको अपना स्नैपचैट अकाउंट को सिक्योर रखना है और आप नहीं चाहते कि आपका स्नैपचैट अकाउंट भी फ्यूचर में जाके हैक हो जाए, तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अनेबल करके रखें, अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे गाइस आपका स्नैपचैट अकाउंट डबल प्रोटेक्टेड हो जाता है और गाइस इससे आपका स्नैपचैट अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। तो गाइस, इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉगिन वेरिफिकेशन हेल्प कीप योर अकाउंट मोर सिक्योर, तो इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, SMS वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऐप। तो गाइस, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप फर्स्ट वाले SMS वेरिफिकेशन में क्लिक कर दें। सो गाइस, आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देना है, यानी कि जो भी आपने स्नैपचैट पे फ़ोन नंबर दिया था अपना। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके वाले फ़ोन नंबर पे। तो गाइस, आप जैसे ही वो वाले OTP को स्नैपचैट में ये वाला फिल करते हैं, वैसे ही आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल हो जाएगा। यानी कि गाइस, आप जब भी स्नैपचैट पे नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि उस टाइम आपके उसी फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा। तो गाइस, आप जैसे ही वो वाले OTP को
अपने स्नैपचैट में फिल करते हैं उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाएंगे। तो गाइस इससे आपका स्नैपचैट अकाउंट डबल सिक्योर हो पाएगा। तो गाइस आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल किसी और को पता लग जाए, वो पर्सन आपके स्नैपचैट को लॉगिन कर सकता है बिल्कुल आसानी से। लेकिन गाइस आप जैसे ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करते हैं, तो गाइस अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करे भी तो भी आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा जिसको देने के बाद ही वो पर्सन लॉगिन कर पाएगा। तो गाइस इससे वो पर्सन कभी भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा और ना ही लॉगिन कर पाएगा बिना आपके परमिशन का। तो गाइस अब बात करते हैं स्नैपचैट की सबसे फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो गाइस स्नैपचैट की जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है लैंग्वेजेस का, जो कि गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि मैं इस टाइम क्लिक करता हूँ। तो गाइस स्नैपचैट अगर आपको दूसरे लैंग्वेजेस में यूज़ करना है, यानी कि अगर आपको हिंदी में यूज़ करना है, उर्दू में यूज़ करना है या फिर कोई और लैंग्वेज में यूज़ करना है, तो गाइस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, थाई, बंगाली। तो गाइस आप अपने लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें अपनी स्नैपचैट लैंग्वेज को उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं स्नैपचैट की फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो गाइस वो इंपॉर्टेंट सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको मैप वाला फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, उस वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर दें जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेटिंग्स में, जैसे कि मैं यहाँ पर इस टाइम क्लिक करता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा घोस्ट मोड। तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप हमेशा घोस्ट मोड को ऑन करके ही रखें। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि आखिर ये घोस्ट मोड होता क्या है। तो गाइस बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स को स्नैपचैट पे देख सकते हैं, यानी कि आप अपने स्नैपचैट पे ये देख सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स का इस टाइम करंट लोकेशन क्या है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स का करंट लोकेशन चेक कर सकता हूँ कि वो इस टाइम कहाँ पर है, मार्केट में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं। तो गाइस ये आपके प्राइवेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा वैसा देखा जाए तो नहीं है कि कोई भी पर्सन चेक कर सकता है कि आप इस टाइम कहाँ पर है, क्या लोकेशन है आपकी। इसलिए गाइस आप इसको हमेशा घोस्ट मोड पे रखें। तो गाइस आप जैसे घोस्ट मोड ऑन करके रखते हैं, दूसरा कोई फ्रेंड्स यानी कि दूसरा कोई भी पर्सन स्नैपचैट पे आपकी लोकेशन नहीं देख पाएगा, जिससे कि गाइस आपकी प्राइवेसी हमेशा सेफ रहेगा और सिक्योर रहेगा। तो गाइस हम बात कर लेते हैं स्नैपचैट की सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो गाइस वाले सेटिंग को करने के लिए चले जाते हैं हम चैट वाले ऑप्शन में, जो कि आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा। सो गाइस जैसे कि आपको बेसिकली पता है कि स्नैपचैट पे जो भी हम चैट करते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड से जो भी चैटिंग करते हैं वो तुरंत ही डिलीट हो जाता है नॉर्मली। तो गाइस ये स्नैपचैट में बहुत सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर उनका चैट्स डिलीट तुरंत क्यों हो जाता है। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूँ कि आखिर आप अपने चैट्स को 24 आवर के लिए कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आपके जो चैट्स होंगे आपके फ्रेंड से वो 24 आवर यानी कि 24 घंटे तक कैसे बचे रह सकते हैं, यानी कि विदाउट डिलीट हुए आपके स्नैपचैट में सेव रहेगा वो आपके चैट्स 24 आवर तक। तो गाइस इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड के मतलब किसी की प्रोफाइल में चले जाना है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ सेकंड वाले में। सो गाइस आप जैसे ही सेकंड वाले मतलब कि जो भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के प्रोफाइल में, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 lines की ऑप्शन दिख रही होगी, 3 dots का राइट साइड में, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर डिलीट चैट्स का, जैसे कि मैं इस टाइम क्लिक करता हूँ डिलीट चैट्स में। तो गाइस आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहा होगा, आफ्टर व्यूइंग और सेकंड दिख रहा होगा 24 आवर्स आफ्टर व्यूइंग। तो गाइस मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 24 आवर्स आफ्टर व्यूइंग। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि इससे होगा ये कि जैसे कि मैं इस टाइम इसको एक मैसेज सेंड करता हूँ हेलो, तो गाइस ये जो मैसेज होगा ये 24 आवर तक सेव रहेगा विदाउट डिलीट हुए, क्योंकि गाइस स्नैपचैट में नॉर्मली जो भी आप मैसेज सेंड करते हैं वो अगर सामने वाला पर्सन आपके वो मैसेज को पढ़ ले यानी कि रीड कर ले, तुरंत ही वो मैसेज डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो गाइस आप इसी तरह से इस वे से अपने स्नैपचैट के चैट्स को 24 आवर तक सेव करके रख सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको स्नैपचैट के 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस स्नैपचैट पे ऐसे बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनको यह नहीं पता होता कि आखिर उनको स्नैपचैट का सारा फिल्टर्स किस तरह मिल सकता है, यानी कि वो स्नैपचैट के सारे फिल्टर्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको भी स्नैपचैट के सारे फिल्टर्स को मतलब कि अपने फ़ोन में चाहिए, यानी कि आपको भी यूज़ करना है, तो गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर सर्कल के राइट साइड में इमोजी का फेस वाला ऑप्शन, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो गाइस आप जैसे ही ऑप्शन क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप का फिल्टर्स मिलता है, जो कि गाइस स्नैपचैट पे मैं आपको बता दूँ बेसिकली बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सप्लोर, तो गाइस आपको एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सप्लोर।
सो गाइस आप जैसे ही एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, जो कि गाइस स्नैपचैट पे जितने भी टोटल फिल्टर्स होते हैं यहाँ पर ट्रेंडिंग, न्यू ईयर, फेस, वर्ल्ड, म्यूजिक, जितने भी फिल्टर्स होंगे टोटली फिल्टर्स आपको ये वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस आप भी ये वाले ऑप्शन को यूज़ करके स्नैपचैट में जो भी फिल्टर आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हैव अ गुड डे।